हेलो स्टूडेंट वेलकम टू जे क्लासेस मेरिट माय नेम इज एकता भारती आप मेरे साथ पढ़ते हैं बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो भी बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने यूनिट सेकंड की तरफ यूनिट सेकंड है हमारे यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस ठीक आज जो हमें इस क्लास में टॉपिक पढ़ना है टॉपिक है हमारे यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी प्रीवियस क्लास में हमने लिमिट पढ़ी थी आज क्लास हमारी किस पर होगी टॉप कॉन्टीन्यूटी पर ठीक है देखो लिमिट हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंटिन्यूटी अब हमें क्या करना है कि हमें फंक्शन किसी भी फंक्शन का क्या करना है हमें कंटिन्यूटी निकालनी है कि किसी भी फंक्शन अगर कोई हमारे पास एक फंक्शन है fx और हमें किसी एक पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो किस तरीके से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे ठीक है तो देखो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट एट अ पॉइंट कि हम किसी एक पॉइंट पर उस फंक्शन की क्या चेक करना है हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है ठीक तो देखो इफ वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू हमने माना है यहाँ पर इफ वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एक कोई फंक्शन है एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए कि ए पर एक्स इज इक्वल टू ए पर उस फंक्शन की क्या वैल्यू आती है इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ वैल्यू आर इक्वल इफ अगर हमारे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आती है राइट हैंड लिमिट के तो देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस क्या कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है कंटिन्यूस है ठीक तो देखो क्या लिखा हुआ है If value of a function at x is equals to a, its left hand limit and right hand limits value are equal. कि हमारी क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल है तो देन द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस तो हम क्या कह सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है जिस पॉइंट पर हमें क्या करना है फाइंड करना है हम यहाँ पर ए पॉइंट पर निकाल लें तो ए पॉइंट पर वो फंक्शन हमारा कैसा है कंटिन्यूस अदरवाइज अगर इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ठीक है अब देखो मैंने यहाँ पर माना कि मेरा फंक्शन जो है वो मेरा फंक्शन एक्स है यहां पर क्या माना कि मेरा कोई फंक्शन है एफ एक्स और इसको मैं कंटिन्यूस मान के चलती हूं कि एफ एक्स बी आ फंक्शन एट इज कॉन्टिन्यूस ये मेरा फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर कि ए पॉइंट पर मेरे फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस फंक्शन है ठीक है अब जब ये मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है तो अभी बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दो या फिर लिखो इसे एल एच एल तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी किस पर निकालने हम ए पॉइंट पर तो लिमिट To A. हम यहां पर निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट ठीक है तो यहां पर हम या तो फिर से माइनस से डिनोट करेंगे limit x tends to A minus या फिर हम इसे लिखते हैं पर भी हमें निकालनी है ठीक है लिमिट एक्स टेंस टू ए पर निकालनी है तो यहाँ पर क्या आ गया ए माइनस एच आया सभी को समझ में तो ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट ठीक अब देखो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आर एच एल तो इसे इस हम कैसे डिनोट करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू या तो ए पॉजिटिव फंक्शन एफ एक्स या फिर हम लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ए प्लस एच आया सभी को में? क्या करना है ये हमारे लिमिट to टू एफ ए प्लस एच ये हमारे क्या है नोटेशन है किस कि तरीके से हम क्या करते हैं अपनी लिमिट को डिनोट करते हैं कि इस तरीके से हम फाइंड करते हैं ठीक है आए सभी को समझ में अब देखो अब लिमिट हमारी ये तो हमने लिमिट देखी अब फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल है लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स और इक्वल्स टू एफ एक्स ठीक है तो यहां पर एफ एक्स लिखो क्योंकि हमें ए पॉइंट पर निकालना है तो यहां पर आ जाएगा ए लिख लेते हैं, पॉइंट पर। अगर ये आपस में इक्वल है मतलब ये तीनों इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं फंक्शन हमारा क्या है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर में? कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी एक पॉइंट पर एक्स इज इक्वल्स टू ए पॉइंट पर ठीक है तो ये इक्वल आना चाहिए कंडीशन है ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है कंटिन्यूस है ठीक हुई आया सभी को समझ में कंटिन्यूस क्या होता है अब देखो अब बात करते हैं अभी तो हमने क्या निकाला कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने क्या देखा कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है ठीक है <coughs> अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल अब हम इंटरवल की बात करते हैं कि हम अब पूरे इंटरवल पर देखेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या फिर हमारा डिसकंटिन्यूस है ठीक है देखो किस तरीके से चेक करना है यहाँ पर अ फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूस क्या कह रहा है? अ फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूस इन एन इंटरवल इन एन ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल है ये हमारा वही से हम ओपन इंटरवल बोलते हैं ठीक प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ ओपन इंटरवल है अब देखो ओपन इंटरवल कह रहा है फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा इन एन ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल पर ए ओपन इंटरवल ए टू बी इफ इट इज एट ईच पॉइंट ऑफ एट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी फंक्शन हमारा इस ओपन इंटरवल पर मतलब फंक्शन हमारा इस ओपन इंटरवल पर कब कंटिन्यूस होगा अगर हमारा फंक्शन इस ओपन इंटरवल के सभी पॉइंट पर ओपन इंटरवल के सभी पॉइंट पर फंक्शन अगर हमारा कंटिन्यूस सॉरी फंक्शन इस ओपन इंटरवल के सभी पॉइंट को क्या करता है सेटिस्फाई करता है या कह दो कंटिन्यूस है तभी हम बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है इस पूरे ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूस है आया सभी को समझ में क्या है कि फंक्शन हम ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं ओपन अगर हमारा ओपन इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर ठीक अगर ओपन इंटरवल के सभी पॉइंट पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा होल इंटरवल पर हमारा फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा अगर ओपन इंटरवल के किसी भी एक पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिस्कंटीन्यूअस आता है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरे होल इंटरवल पर हमारा फंक्शन कैसा होगा डिसकंटिन्यूस होगा ठीक है तो हमें यहाँ पर क्या करना है ओपन इंटरवल का मतलब देखो क्या है ये हमने लिखा है ओपन इंटरवल ए टू बी यहाँ पे माना ए है यहाँ पर ये बी है ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है इस इनके पॉइंट पर इन ए और बी के बीच के सभी पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए ये सारे पॉइंट्स हैं ए टू बी के इन फाइनाइट पॉइंट है इन सभी पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए ठीक है और ओपन इंटरवल है तो इसमें ए और बी पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे बता रखा है ओपन इंटरवल में ए और बी पॉइंट नहीं होते इन A और बी के बीच के सभी पॉइंट्स पर सभी पॉइंट इंक्लूड होंगे अगर यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल की बात करें ए टू बी तो क्लोज इंटरवल में ए और बी पॉइंट कंसिडर होते हैं ठीक है इसका मतलब ये होता है कि ए और बी पॉइंट तो है ही और बाकी सब इसके बीच के सभी पॉइंट्स हमारे क्या है इस क्लोज इंटरवल के अंदर हैं। है ठीक है लेकिन ओपन इंटरवल में ये ए और बी पॉइंट नहीं होता है बाकी इसके बीच के पॉइंट होते हैं ठीक है थीके? ये हमारा क्लोज सॉरी ओपन इंटरवल है और ये हमारा इंटरवल है अब देखो फंक्शन क्या फंक्शन इज थाट टू बी कंटिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा इफ इट इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी अगर यदि हमारा क्या है ओपन इंटरवल के सभी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम कह सकते हैं कि वो होल इंटरवल पर हमारा फंक्शन कैसा है continuous है ये तो हमारे ओपन इंटरवल की बात हो गई अब देखो आगे क्या कह रहा है इफ इफ इज 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 डिफाइंड डिफाइंड ऑन अ इंटरवल ए बी अब हम क्लोज इंटरवल पर बात करते हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है तो हम देखो क्या कह सकते हैं वी से दैट फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूस एट ए अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूं

एफ इज कंटिन्यूस एट बी बी पॉइंट पर कंटिन्यूस चेक करना है तो वहां पर हमारी क्या होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए बी के ठीक है तो यहां पर हमारा क्या होगा फंक्शन फंक्शन्यूअस होगा किस पर ये है ठीक है किस पर होगा यहाँ पर ये यह हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर बी पॉइंट पर ठीक है यहां पर पॉइंट के लिए निकाले लिमिट की बात कर रहे हैं फिर तो थर्ड है एफ इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल अब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर क्लोज इंटरवल पर इफ इट इज कंटिन्यूस एट ए अगर वो कंटिन्यूस है ए पर भी और बी पर भी एंड ईच बोथ ऑफ ए ओपन इंटरवल ए और बी देखो भाई ओपन इंटरवल अगर हम ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं तो ओपन इंटरवल पर तो देखो होगा सभी पर भाई ये हमारा ओपन इंटरवल है ए और बी ठीक है ओपन इंटरवल है ये ओपन इंटरवल के अंदर देखो सभी पॉइंट्स पॉइंट्स पर पे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस ठीक है थीके? भाई ओपन इंटरवल में ये पॉइंट तो हमारे कंसिडर नहीं होंगे सिर्फ अंदर के पॉइंट कंसिडर होंगे तो इन पर माना फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है लेकिन अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करूं तो क्लोज इंटरवल में तो हमारा इस पॉइंट पर भी तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए तभी तो हम कह सकते हैं कि क्लोज इंटरवल पर भी हमारा क्या फंक्शन कंटिन्यूस है अब ये हमारा क्लोज इंटरवल है ए टू बी तो देखो अब इसके अंदर हमारे क्या इनफाइनाइट पॉइंट है भाई इस पर तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन इन पर भी तो चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है अगर मैं इधर की बात करूं x इज इक्वल टू ए पर तो यहाँ पर मेरे को क्या देखनी है यहाँ पर मेरे को आर देखनी है राइट हैंड लिमिट देखनी है वो मेरे F A के इक्वल आनी चाहिए ठीक है है अब B की बात करूं तो यहाँ पर मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है, वो किसके इक्वल आनी चाहिए एफ बी के इक्वल आनी चाहिए ठीक है अगर मेरे ये हमारे दोनों सेटिस्फाई करती है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है किस पर क्लोज इंटरवल ए टू बी पर ठीक है ये थी हमारी यहाँ पर इंटरवल की कि किस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को किसी एक इंटरवल पर हम क्या करके दिखाते हैं कंटिन्यूस करके दिखाते हैं ठीक सेटिस्फाई करता है तो कंटिन्यूस है सेटिस्फाई नहीं करता तो हमारा डिसकंटिन्यूस है अब देखो कंटिन्यूस फंक्शन की बात करते हैं यहाँ पर अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस कब होगा यदि मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन सभी मतलब डोमेन के सभी पॉइंट्स पर अगर मेरा फंक्शन है तो क्या कह सकते हैं कि वो फंक्शन मेरा क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है ठीक है देखो ये फंक्शन में पढ़ाया हुआ है देखो एफ एक्स भाई हमें पता ही है क्या होती है हमारी यहाँ पे डोमेन ये हमारी कोडोमेन और यहां से हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स ठीक है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री फोर एक्स वन एफ एक्स वन के साथ मैपिंग करी एफ एक्स टू और ये हमारी डोमेन होती है पता है डोमेन होती है डोमेन से तो अगर हमारा फंक्शन इस डोमेन के सभी पॉइंट्स पर अगर हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा फंक्शन पूरा क्या है कंटिन्यूस है ठीक है डोमेन के सभी पॉइंट पर अब जो हमारा मैपिंग करते हैं मैपिंग करके जो भी बनते हैं वो हमारा क्या कहलाया जाता है रेंज कहलाया जाता है ठीक है ये सब आपने पढ़ा हुआ है तो देखो इसमें रेंज क्या आएगी एफ एक्स वन जिससे भी मैपिंग होती है एफ एक्स टू एफ एक्स थ्री ठीक है ये हमारी क्या है रेंज है आए सभी क्वेश्चन में भाई डोमेन की जिसके साथ भी कोडोमेन पे मैपिंग हो रही है अब एलिमेंट्स ये इसके साथ मैपिंग नहीं हो तो रही है अब बात करते हैं, questions की, questions को किस तरीके से, तो से यहाँ पर सोल्व करिए अब देखो अब हमें क्या करना है शो दैट दफ एक्स इज इक्वल माइनस सेवन एक्स प्लस इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन पर क्या कर रहा है प्रूफ करके दिखाना है कि जो फंक्शन है ये हमारा कॉन्टीन्यूअसर टू ए पर एक्स इक्वन पर. पर अगर हमारे यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और फंक्शन एफ वन के इक्वल होगी लिखो देन वी हैव टू शो दैट वी हैव टू शो दैट लिमिट टेंस टू वन पे निकालना है तो वन माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के और हमारा जिस पॉइंट पर हमें निकालना है अगर ये तीनों इक्वल है, है तो हम कह सकते हैं फंक्शन हमारा कैसा है कंटिन्यूअस फंक्शन है तो देखो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालते हैं ठीक तो लिमिट अब हमें यहाँ पर देखो क्या लिखना है लिमिट S tends to zero F A minus H था हमें किस पर निकालनी है ए क्या है ए हमारा वन e है, है तो यहाँ पर हम लिमिट एस टेंस टू जीरो फंक्शन है एफ वन माइनस एच देखना है अब देखो अब ये एफ एक्स क्या हमारा ये तो जहां जहां x है वहां वहां हमें क्या रखना है वन माइनस एच रखना है ठीक है तो रखते हैं देखो एफ एक्स के अंदर रखा लिमिट एच जगह क्या रखा वन माइनस सेवन माइनस एच प्लस थ्री इसे सॉल्व करते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो यहां पर रखा वन माइनस एच का होल स्क्वायर ओपन इंटर सॉरी फॉर्मला अपन क्या ए स्क्वायर प्लस वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच माइनस सेवन प्लस सेवन एच प्लस थ्री या हमारे यहाँ पर अब देखो लिमिट पुट करते हैं रखो यहाँ पर क्या रखना है जहां जहाँ एच एम आम क्या रखेंगे जीरो पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा वन भाई ये जीरो हो जाएगा ये जीरो यहाँ पे सेवन प्लस जीरो प्लस थ्री यह है हमारा थ्री प्लस वन फोर और माइनस सेवन तो कितना आया माइनस के थ्री आया ठीक है या हमारा यहाँ पर माइनस थ्री अब देखो ये तो हमने निकाली यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ठीक है अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो देखो राइट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एच था यही था हमारा ठीक तो यहां पर आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ए की वैल्यू क्या है वन तो वन प्लस एच अब जहां जहां फंक्शन में हमें क्या एक्स की जगह क्या रखना है वन प्लस रखना है ठीक है इक्वेशन क्या है सेवन सेवन एक्स 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 स्क्वायर माइनस प्लस थ्री इक्वेशन हमारी ये फंक्शन जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री वैल्यू पुट करो क्या लिमिट एस टेंस टू जीरो वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस सेवन वन प्लस एच प्लस थ्री वन प्लस 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 स्क्वायर टू माइनस माइनस सेवन सेवन थ्री हमारा और यहाँ पर चलिए लिमिट एस टेंस टू जीरो अब देखो यहाँ पर क्या करना है एच की जगह जीरो रखते हैं लिमिट पुट करी वन आएगा यहाँ जीरो जीरो माइनस सेवन माइनस जीरो प्लस थ्री सेम वन प्लस थ्री फोर और माइनस सेवन माइनस के थ्री आया ठीक है

लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो हमारा माइनस थ्री आया राइट हैंड लिमिट निकाली तो भी हमारा क्या आया माइनस थ्री आया इट मीन क्या हुआ कि तीनों हमारे इक्वल आ रहे हैं एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल एफ वन तो फंक्शन इज कंटिन्यूस तो हम क्या कह सकते हैं हमारा जो फंक्शन है फंक्शन इज कंटिन्यूस ठीक है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है कंटिन्यूस फंक्शन है ठीक है आए सभी क्वेश्चन में क्या करना है लेफ्ट हैंड में निकालनी है राइट हैंड में है और फंक्शन जिस पर भी निकालना है जिस पर भी कहता है, उस पर निकालना है फंक्शन हमारा तो कैसा है यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं अब हमें a point, sorry, x तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे लिमिट एस टेंस टू जीरो पर निकालते हैं लिमिट एस टेंस टू जीरो क्या रखना है फंक्शन के अंदर वन माइनस एच तो वन माइनस एच प्लस फोर अपॉन वन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस फोर भैया लिमिट Tends to zero. तो टेंस टू जीरो आएगा फाइव माइनस फोर सॉरी प्लस एच स्क्स प्लस देखो भैया हमारे यहाँ पर? पर अब हमें यहाँ पर क्या करना है अब हमें यहाँ पर अपनी लिमिट पुट करनी है लिमिट पुट कर देते हैं भाई लिमिट पुट करते हैं यहां पर रखो एच की जगह जीरो रखना है तो फाइव माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो माइनस जीरो प्लस तो क्या है यहाँ से फाइव अपॉन में फाइव तो इसे कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आया वन तो यहाँ पर जो एल एच एल लिमिट आई है वो आई है मेरी यहाँ पर भैया आई मेरी यहाँ पर अब हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और निकाल लेते हैं आर एच एल निकालते हैं आर एच एल क्या होगी लिमिट एच टेंस टू जीरो तो देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो रखो एक्स की जगह अपॉन वन प्लस एच सॉरी फाइव प्लस फोर अपॉन में वन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच आइडेंटिटी ओपन की यहाँ पर फोर वैल्यू अब हम क्या करते हैं लिमिट पुट करते हैं तो फाइव ये सेवन है सॉरी यहाँ पर यह है? ठीक है तो फाइव प्लस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो प्लस जीरो पर देखो क्या है? आया ये आया हमारा यहाँ पर 5 5. ये यह भी हमारी क्या रही है मतलब आर एच एल भी हमारा क्या आ गया वन राइट हैंड लिमिट भी हमारी वन आई ठीक ये दोनों तो इक्वल आ रही है अब हमें किस पर चेक करना है फंक्शन पर एफ वन पर निकालना है तो वैल्यू पुट करो एक्स की जगह वन वन प्लस फोर वन का स्क्वायर प्लस फोर तो वन प्लस फोर फाइव वन का स्क्वायर वन वन प्लस फोर फाइव तो यहाँ पर देखो ये भी हमारा क्या आ गया वन आ गया भाई देखो यहाँ पर हमारी क्या limit, right आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ वन की वैल्यू इक्वल आ गया राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर फंक्शन इज कंटिन्यूस तो हमारा फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस फंक्शन है

क्या वैल्यू देगा वन देगा हमें क्या करना है प्रूफ करना है कि ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है किस पर जीरो पर तो हम चेक करते हैं कि इक्वल इक्वल मतलब लिमिट आ भी रही है नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं लिमिट टू जीरो पर तो एफ जीरो माइनस एच लिमिट निकालना है भाई जीरो पर तो हमें पता है वन देगा लेकिन हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं पता तो एल एच एल बी सी से निकलेगा और आर एच एल बी क्यों क्योंकि यहाँ पर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो मतलब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है तो जीरो से छोटी भी हो सकती है जीरो से बड़ी भी हो सकती है ठीक है तो देखो हम यहाँ पर निकालते हैं किसके लिए लिमिट टेंस टू जीरो क्या रखना है जीरो माइनस एच तो टू अपॉन वन माइनस वन अपॉन जीरो माइनस एच अपॉन में वन प्लस टू वन माइनस जीरो माइनस एच वन अपॉन में जीरो माइनस एच या

किसी कुछ भी ले लो यहाँ पर फंक्शन वन की पावर माइनस होता है वो हमेशा क्या देता है जीरो देता है है ठीक सॉरी पर हमारी क्या वैल्यू आई जीरो आई ठीक है टू की पावर माइनस इनफिनिटी किसी भी अगर हमारा पावर माइनस इनफिनिटी है तो उसकी वैल्यू क्या होती है जीरो होती है तो ये आ गया हमारे यहाँ पर जीरो

या फिर देख लेना ठीक है ना ये हुआ अब यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली क्या है जीरो अब हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं आरएचएल निकालते हैं लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच ठीक है तो लिमिट एस टेंस टू जीरो तो टू की पावर वन अपॉन जीरो प्लस एच अपॉन में वन प्लस की पावर वन अपॉन जीरो प्लस एच है मेरा अब देखो

और हमें पता है टू की पावर इन्फिनिटी किसी भी पावर इन्फिनिटी को इन्फिनिटी होता है तो ऊपर क्या होना इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी इंफिनिटी में कुछ ऐड करो सब्रैक्ट करो आना इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी तो ये तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन गए इसका मतलब क्या है यहाँ पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करिएयर लिमिट डॉ पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है लिमिट पड़ा था कि अगर लिमिट रखने पर वैल्यू हमारी फाइनाइट देता है तो हमारी क्या होगी लिमिट होती है वो हमारी अब यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मतलब क्या है कि does not equals to जब हमारे ये इसके इक्वल ही नहीं है तो फंक्शन कैसा हुआ हमारा यहाँ पर डिसकंटीन्यूस फंक्शन हुआ किस पॉइंट पर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट आय से को सेल में अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है डिसकंटिन्यूस है ठीक तो ये था हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ अभी यहाँ पर क्या कह रहा है डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन हमें क्या करना है फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है ठीक एफ फंक्शन हमारे पास की है एफ एक्स अपॉन मोड एक्स

रखो एक्सरो माइनस एच अपॉन में मोड ऑफ जीरो माइनस एच लिमिटेंस टू तो जीरो यहाँ पर अब देखो जीरो माइनस एच तो माइनस एच आया और अपॉन में जीरो माइनस एच तो मोड एच आया और हमें पता है ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है तो माइनस एच आया मोड और हमें पता है मोड से जब वैल्यू बाहर आती है तो पॉजिटिव में आती है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस कैंसिल करेंगे तो माइनस वन आएगी तो यहां से देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई वो आई मेरी माइनस के वन आए सभी ऐसी हम क्या करेंगे यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई अब ऐसी हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखो राइट हैंड लिमिट किस तरीके से निकालेंगे यहां पर आर एच एल लिमिट एस टेंस टू जीरो प्लस एच तो यहाँ पे आएगा h टू जीरो मोड लेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ लिख देते हैं चलो लिमिट एच टेंस टू जीरो कैंसिल किया तो वन आया तो यहाँ पर जो मेरी आर एच एल लिमिट आई है वो कैसी आई है राइट हैंड लिमिट आई मेरी यहाँ पर वन और अगर एफ वन की जीरो की बात करें तो देखो जीरो पर क्या वैल्यू दे रहा है ये जीरो दे रहा है जीरो तो दे रहा है देखो लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन राइट हैंड लिमिट वन और यहाँ पर एफ जीरो कितना है मेरा जीरो देखो यहाँ पर तीनों ही हमारी क्या आ रही है इक्वल नहीं आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट डवल टू राइट हैंड लिमिट डवल टू एफ जीरो तो हमारा यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं फंक्शन इज डिस तो ये हमारा क्या है डिसकंटिन्यूस है किस पर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट पर यहाँ पर आपको ये निकालना है पॉइंट पर ही निकालनी है लिमिट ठीक है वो जो इंटरवल का था वो तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया था यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हमें क्या करना है चेक द डिस्क चेक कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू थ्री फाइव बाई फोर अब हमें यहाँ पर भी क्या करना है डिसकटिन्यू डिस्कंटिन्यूटी चेक नहीं कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पॉइंट पर एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पाई बाय फोर पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं ठीक है लेफ्ट हैंड लिमिट थ्री पाई बाय फोर से छोटी वैल्यू के लिए देखना है ठीक है तो देखो अब हमें लगाना है लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ थ्री पाई बाय फोर माइनस एच x की यहां पर फंक्शन क्या गिवन है x की लेस देन वैल्यू x अगर मेरा जीरो से बड़ा है तो वन वैल्यू देगा x लेस देन थ्री पाई बाय फोर है तो भी मेरी वैल्यू क्या आएगी वन आएगी हमें किसके लिए निकालना है लेफ्ट हैंड के लिए निकालना है तो x की वैल्यू थ्री पाई बाय फोर से छोटी होनी चाहिए तो थ्री पाई बाय फोर तो इसके अंदर कंसिडर कर रहा है तो देखो यहाँ पर जो इसकी डायरेक्ट लिमिट आएगी वो आएगी मेरी यहाँ पर आएगी समझ में लेफ्ट हैंड लिमिट में देखना है पाई पाई बाय बाय हमारे से छोटी वैल्यू के लिए और राइट right हैंड में थ्री पाई बाय फोर से बड़ी वैल्यू के लिए ठीक तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई अब हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ

फंक्शन है, है हमारे यहाँ पर टू साइन टू एक्स बाय नाइन तो जहाँ पे क्या रखना है थ्री पाई बाई फोर प्लस एच तो यहीं पर, तो पर. तो पर, पर रख दिया हमने यहाँ पर फंक्शन क्या था हमारा यहाँ ये था ना टू साइन टू एक्स बाय नाइन तो एक्स की जगह हमने यहाँ पे क्या रखा थ्री पाई बाय फोर प्लस एच ये रखना है हमें यहाँ पर रख दिया अब हम यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर हम अपनी लिमिट पुट कर देते हैं अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो टू साइन टू बाई नाइन इंटू थ्री बाय बाय फोर आएगी बस प्लस जीरो करो तो यही आएगा हमारा तो यहाँ से तो ये ये हट जाएगा तो थ्री पाई बाय फोर ही आएगा ठीक है कैंसिल करते हैं देखो कितना आएगा थ्री से गया थ्री बार ये टू बार गया ठीक है तो ये आया टू साइन ऊपर पाई और अपॉन में थ्री इंटू टू बचा तो यहाँ पर देखो क्या आया यहाँ पर टू साइन बाय सिक्स बाय सिक्स क्या है हमारे यहाँ पर भाई तो वैल्यू पता है ना साइन ये हमारा वन बाय टू होता है ठीक है तो यहाँ पर देखो टू से टू कैंसिल हुआ तो ये आया हमारा यहाँ पर वन तो आर एच एल लिमिट जो आई है वो आई है मेरी यहाँ पर वन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरी वन आई है और देखो एक्स इज इक्वलो पर एक्स इज इक्वल पर भी वैल्यू क्या है मेरी हाँ पे one? क्योंकि एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स की वैल्यू अगर थ्री पाई बाय फोर से छोटी है तो भी वन है और वन पर थ्री पाई बाय फोर पर भी वन है तो यहाँ पर देखो एफ थ्री पाई बाय फोर पर भी हमारा फंक्शन क्या रहा आ रहा है वन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है तीनों इक्वल आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है तो देन यहां लिख सकते हैं हम एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ थ्री बाय फोर देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस तो हमारा फंक्शन कैसा है यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं e है हमारा? हमें है किस पर? X पर और एट एक्स इज इक्वल टू वन पर ठीक है हमें यहाँ पर दो पॉइंट पर निकालने है जीरो पर भी और वन पर भी तो पहले हम क्या करते हैं पहले हम जीरो पर ही निकाल लेते हैं देखो फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो पर अलग चल निकाले to, sorry, to, zero, F zero H, ये रखेंगे हम एफ जीरो माइनस एच के लिए निकालना है अब देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस एच एक्स की वैल्यू जो जीरो से छोटी है x less than equals to zero. Zero से छोटी वैल्यू 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 है 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 तो है? हमारा minus square, तो फंक्शन क्या क्या इसमें पुट करें x की रखनी जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर तो ये आ गया हमारा जीरो जीरो लिमिट रखी एच की जगह जीरो तो जीरो आया ठीक है अब हमें निकालनी है आर एच एल लिमिट s टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर चेक करना है तो देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का है ये रहा हमारा फंक्शन भाई एक्स क्या है एक्स की x greater equal x greater than zero and less than equals to one हमें क्या करना है चेक करना है zero पर तो x greater than zero ये है तो इसका function क्या five x तो यहाँ पर हम रखेंगे limit x tends to zero five एक्स की जगह क्या रखना है जीरो तो तो हुआ ठीक है ये आया फाइव एच माइनस फोर आया ना लिमिट एच टेंस टू जीरो पर देखोगे माइनस के फोर आ रही है ठीक है और अगर हम यहाँ पे बात करें एफ एफ जीरो की तो एफ जीरो पर क्या दे रहा है देखो यहाँ पर भाई टू पर माइनस के एक्स मतलब ये यह हमारे यहाँ पर जीरो देगा तो देखो यहाँ पर एल एच एल इक्वल्स इक्वल टू आर एच एल यहाँ पर हमारी इक्वल नहीं आ रही है लिमिट तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं ये एफ जीरो है तो यहाँ पर हमारा क्या है फंक्शन इज

At x equals to 1 के लिए ठीक तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट निकालते हैं limit, tends to 0, f 1 minus h. भाई हमारी रहा है? ये रहा ये तो फंक्शन क्या ठीक है 5x minus 4. तो देखो फाइव एक्स माइनस फोर में रखनी है तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हमारा फंक्शन फाइव एक्स माइनस फोर फाइव एक्स की वैल्यू वन माइनस एच और माइनस के फोर लिमिट एस टेंस टू जीरो फाइव माइनस फाइव एच माइनस फोर तो फाइव माइनस फोर वन माइनस फाइव एच और लिमिट एस टेंस टू जीरो चल रही है अब वैल्यू रखो यहाँ पे हमें क्या करनी लिमिट पुट करनी है तो यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ वन माइनस जीरो मतलब हमारी आर एच एल आ गई वन अब हमें क्या निकालनी है राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और देखते हैं यहाँ पर आर एच एल आर एच एल क्या है लिमिट एस टेंस टू जीरो

सोल्व करो लिमिट एच टेंस टू जीरो मल्टीप्लाई की फोर प्लस फोर एच स्क्ट एच और माइनस थ्री माइनस थ्री एच अब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट रखते हैं तो देखो फोर प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस थ्री माइनस जीरो तो फोर माइनस थ्री कितना आया वन यहाँ पर ये क्या आया हमारे यहाँ पर वन आया मतलब आर एच एल हमारी क्या गई यहाँ पर वन भाई राइट हैंड लिमिट में हमारी क्या आई वन आई अब हमें किस पर चेक करनी है भाई हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो निकाल ली अब हमें एफ वन पर चेक करना है वन कहा है ये रहा x इक्वल टू वन तो इस पर क्या है फाइव एक्स माइनस फोर फंक्शन क्या है अब हम निकाल रहे हैं पर तो फंक्शन है हमारा फाइव एक्स माइनस फोर तो फाइव एक्सर माइनस फोर तो फाइव माइनस फोर वन इसका मतलब तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ वन तीनों तो हमारा फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू वन पर कैसा है कंटिन्यूस तो यहाँ पर लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और एफ वन तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एट एक्सिकल्स टू वन आए सभी क्वेश्चन में इस तरीके से हम यहां पर अपनी कंटिन्यूटी चेक करते हैं किसी को कोई डाउट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन कभी, कभी देखो, क्या कर रहा है so क्वेश्चन में फंक्शन हमारा कंटिन्यूस तो है लेकिन हमें क्या चेक करना है सॉरी हम, हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है गिवन है ये क्वेश्चन के अंदर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है हमारा तो देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे भाई राइट हैंड लिमिट के और एफ जिस पॉइंट पर भी हमें निकालना एफ ए पर ठीक है अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के अब हम यहाँ पर पहले किसकी बात करते हैं at x is equals to three point पर निकालते हैं देखो फंक्शन जो हमारा दे रखा है वो हमारा x थ्री पर भी है दो है पर three और five, तो three पर और तो भी चेक करना five पर भी। सर ये रहा फाइव ठीक है फाइव पर भी तो पहले मैं यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू थ्री के लिए निकालतेवल टू थ्री के लिए अगर मैं बात करूं तो लिमिट लिमिट एस टेंस टू जीरो f थ्री माइनस एच होगा तो देखो लिमिट एस टेंस टू जीरो थ्री माइनस एच मतलब x लेस देन थ्री तो x लेस देन थ्री कितना है वन फंक्शन क्या है वन तो ये तो वन ही रहेगा भाई ये तो वन दे रहा है तो इसकी वैल्यू तो वन ही आ गई ठीक है अब आर एच एल की बात करें तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ थ्री प्लस एच ग्रेटर तो दे थ्री एक्स ग्रेटर बी फंक्शन है हमारा ए एक्स प्लस बी तो वैल्यू रखो लिमिट एच टू जीरो रखेंगे वैल्यू पुट करते हैं थ्री ए प्लस ए एच प्लस बी तो यहां से देखो लिमिट रखी तो थ्री ए प्लस बी आया हमारा थ्री ए प्लस बी मतलब यहाँ पर आर एच एल जो आया वो आया थ्री ए प्लस ठीक है एक्स इक्वल टू थ्री यहाँ पर है तो इसके लिए क्या आ रहा है सीधा वन आ रहा है तो एफ थ्री कितना हमारे यहाँ पर वन आप देखो फंक्शन क्या कर रहे हैं कंटिन्यूस है फंक्शन कंटिन्यूस है इफ फंक्शन इज इक्वल है के और हमारा यहाँ पर एफ थ्री इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है one. Right hand limit, 3A plus B. और कितना आया दे दे रहा रहा ये भी है तो यहाँ से जो हमारी equation बन के आई वो आई थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू इज इक्वल टू वन ये तीनों इक्वल है किसी को एक को भी ले सकते हैं तो एक इक्वेशन यहाँ से हमारी क्या बन के आई थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू वन ये किस पॉइंट से निकाली हमने एट x इज इक्वल टू थ्री पॉइंट से निकाली ठीक है सेम एज इट इज अब हम क्या करेंगे एट x इज इक्वल टू बी के लिए निकालेंगे सॉरी हाँ b के लिए b पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पर एक नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है फाइव तो फाइव के लिए चेक करते हैं अब हम यहाँ पे निकालते हैं एट x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू फाइव फाइव के लिए निकालते हैं तो लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस h x less than five, x less than five इस इंटरवल में देखो यहाँ पर दे रखा है x less than five तो क्या वैल्यू दे रखी है ax plus b फंक्शन है हमारा ax plus b तो रखो वैल्यू लिमिट h tends टू zero a x क्या है five minus h plus b तो यहाँ से आया five a minus five h plus b लिमिट h tends to zero लिमिट पुट करें तो five a plus b आया भैया आया हमारा five a plus b ये क्या है हमारा LHL

तो तो ये तो डायरेक्ट हमारी वैल्यू सेवन दे रहा है तो यहाँ पर ये यह आ गया आरक्षण सेवन के इक्वल अब देखो अब हमें एफ फाइव पर निकालना F5 पर भी हमारा क्या दे रहा है ये सेवन दे रहा है तो एफ फाइव पर भी हमारा फंक्शन जो वैल्यू आ रही है वो सेवन आ रही, आ रही। स्यावन है सॉरी यहाँ पे सेवन सेवन है ठीक है फंक्शन कैसा है कंटिन्यूस है तो तीनों इक्वल होंगी फंक्शन इज

क्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू वन नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर फाइव ए प्लस बी इज इक्वल टू सेवन अगर मैं इन दोनों को सब ट्रैक्ट करू मैं B का सेम है क्या तो 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 ये 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 से हुआ तो ये से हुआ कैंसिल कैंसिल होगा प्लस माइनस बचा थ्री वैल्यू आ गई अब इस ए की वैल्यू को उठाकर कोई सी भी एक एक में रख दो वहां से बी की वैल्यू निकल जाएगी पुट इन सेकेंड से पुट किया तो देखो फाइव

पॉइंट सभी पॉइंट पर हमारा फंक्शन है? है. डिसकंटिन्यूस है? है. तो मतलब है तो हमें यहाँ पर एक तरीके से डिसकंटिन्यूट ही चेक करनी है किस पर जीरो पर ठीक है क्वेश्चन समझ में आया घुमा फिरा के कैसे भी दे सकता है यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है फंक्शन गिवन है फंक्शन हमारा सभी पॉइंट पर तो कंटिन्यूअस है सिवाय किसको छोड़कर जीरो को छोड़कर तो हमें यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है ठीक भाई तो देखो एल एच लिमिट लिमिट एस टेंस टू तो जीरो एफ जीरो माइनस एच तो वैल्यू रखो लिमिट एस टेंस टू तो जीरो डज नॉट इक्वल टू वाले में रखेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो माइनस एच अपॉन में जीरो माइनस एच भाई आई हमारी वैल्यू देखो लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन जीरो माइनस एच माइनस एच और माइनस के एच और लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन माइनस थीटा क्या होता है हमें पता है माइनस के साइन थीटा होता है तो ये आ गया हमारे यहाँ पर माइनस के साइन एच और अपन में माइनस एच इस माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और ये है हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच और ये हमारी क्या है लिमिट का क्या है क्वेश्चन है प्रीवियस क्लास में करा था कि लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एच भाई देखो ये लिमिट x टेंस टू ए या साइन एक्स अपॉन में एक्स एच टेंस टू जीरो इसकी वैल्यू क्या होती है वन होती है तो इससे तो हम डायरेक्ट रिजल्ट से लिख सकते है, हुआ 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 है? हैं ये वन हुआ हमारा ठीक है अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालते है ऐसी, हैं ऐसी राइट हैंड लिमिट निकाला लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस तो यहां पर रखो लिमिट एस टेंस टू जीरो रखो एक्स की जगह पर जीरो प्लस एच जीरो प्लस एच अपॉन में जीरो प्लस एच तो यहां पर देखो क्या है ये भी ठीक है और देखो एफ एफ जीरो पर क्या दे रहा है ये एफ जीरो पर

ये दोनों इक्वल है राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेकिन एफ जीरो के इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या हुआ कॉन्टिन्यूस तो है सभी पॉइंट पर बट किसको छोड़कर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल जीरो या फिर आप लिखना है यहाँ पर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट भाई सभी, सभी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस एक्सेप्ट किस को छोड़कर एट एक्स टू आया सभी टाइप के क्वेश्चन क्या कर लिए अपने कवर कर लिए ठीक है थीके? देखो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है आपकी लिमिट सॉरी कंप्लीट होती है मतलब कॉन्टीन्यूटी हमारी यहाँ पर क्या होती है कंप्लीट होती है ठीक है तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पर क्या करने हैं अब आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शो दैट द फंक्शन टू व्हेन राइट हैंड लिमिट इससे निकलेगी ठीक right है हमें क्या दिखाना है प्रूफ करके दिखाना है फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है वही सेल इक्वल दिखाना आरएचएल के और एफ है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसे कर लेना डेट द वैल्यू ऑफ के के की वैल्यू फाइंड करनी है शो दैट द फंक्शन इज टू दिस यहाँ से आपको क्या निकालना है के की वैल्यू अपनी फाइंड करनी है और बताना है कि फंक्शन हमारा क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ के के की वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन हमारा कैसा है कंटिन्यूस है फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या करना है यहाँ पर आपको अपनी के की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है तो के की वैल्यू निकाल लोगे भाई किस तरीके से निकालनी है यहाँ पर तो यहाँ पर देखो एक वाला, के और एक हमें किस पर थर्ड चेक कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो हमें किस पर चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर तो देखो

तो इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं ठीक है तो यहाँ पर इस क्लास में हमारा क्या कंटिन्यूटी कंप्लीट होती है नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपना भाई नेक्स्ट क्लास किस पर होगी हमारे यहाँ पर ये तो हमारा कंप्लीट हो गया नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे डिफ्रेंशिएशन ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तो तक के लिए आप क्या करना इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना थैंक यू